एवरीवन नमस्कार, मैं हूं रमन मिश्रा। स्वागत है आपका परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज भारतीय संविधान के भाग तीन की, जिनमें वर्णन है हमारे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार यानी हमारे मूल अधिकार, जिनको हम तौर पर जानते हैं। दोस्तों, हमारे अधिकार और हमारे दायित्व दोनों में सामंजस्य है, और किसी के भी अधिकार उसके दायित्व से बढ़कर नहीं हो सकते। बहुत फेमस भी कथन है। आखिर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इनकी उपज कहां से हुई? सबसे पहले बात इनकी करेंगे। देखिए, जो राइट्स है ना, अधिकार, आपके अधिकार एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप किसी भी अपने मतलब एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी सुविधा जिसके द्वारा आप कानून के द्वारा अपनी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी यहां व्यवस्था थी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था से हम आए किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में हमने अपना शासन बनाया, यानी शासन का तरीका जब हमारा लोकतांत्रिक हुआ, तो लोकतंत्र में जब हमारी सर्विसेज वहीं नहीं मिलेंगी, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, तो कैसा वो लोकतंत्र? लोकतंत्र का निष्कर्ष है अधिकार, राइट्स आपके। ठीक है, अधिकार के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, जैसे कि आपके कुछ विधिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, आपके मानवाधिकार होते हैं, ये तमाम तरीके के अधिकार पाए जाते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नैसर्गिक अधिकार होते हैं। आखिर भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार का ही एक प्रकार है, जिसके द्वारा जो यहां की जनता है उसको तमाम तरीके के अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। तो मौलिक अधिकार की डेफिनेशन संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आएगी। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान में इतना ज्यादा जरूरी हैं कि इनके अगर हनन हो रहे, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हर राज्यों की सर्वोच्च आपकी न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट, आप बिना निचली अदालत गए सीधा वहां अपील करते हैं। तो इनकी उपयोगिता समझ में आ गई कि मौलिक अधिकार कितने ज्यादा उपयोगी हैं। अब मौलिक अधिकारों का अगर हम वर्णन देखें, तो भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है मौलिक अधिकारों का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का, यानी लोकतंत्र के एक निष्कर्ष का, जिसको हम कहते हैं अधिकार। अधिकारों का वर्णन किन में है? भाग तीन में है। दूसरी बात, ये जो मौलिक अधिकार दिए गए, जब हमारे संविधान निर्माता ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर V.R. अंबेडकर हमारे संविधानों को बना रहे थे, तो क्या संविधानों में, भारतीय संसदीय इतिहास में या भारत के इतिहास में इससे पहले मूल अधिकारों की बात हुई? अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक शासन में हमारे अधिकारों का हनन इतने ज्यादा बड़े स्तर पर था कि जिनको लेकर तमाम बार विभिन्न विभिन्न आपको रूपों में कई मूवमेंट दिखाई देते हैं, आंदोलन दिखाई देते हैं, वो एक तरीके से हमारे राइट्स ही नहीं मिल रहे थे हमें, तो देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत तरीके के आपके मूवमेंट भी हुए। बात है अपने यहां, अगर हम इतिहास में झांक कर देखें, एक प्रश्न यहां से भी बनता है, इतिहास में अगर आप जाएं भारत के, तो भारत के इतिहास में सबसे पहले अधिकारों की बात कब हुई? क्योंकि अपने यहां उस समय सर्वोच्च पार्टी के रूप में कार्य कर रही थी कांग्रेस। कांग्रेस ने 1928 की बात है, 1928 की, 1928 में कांग्रेस ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की थी, और इसमें 1928 में आपकी आई थी नेहरू रिपोर्ट। 1928 में आई हुई नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की बात की गई। यह इसके अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष जो थे, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ अधिकारों की बात कही गई थी, कुछ बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछता है। इनमें आपके मौलिक अधिकार भी शामिल थे, मूल अधिकार, दासता से मुक्ति को लेकर अधिकार थे, शोषण से संबंधित अधिकार थे। तो ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट शामिल किए गए थे जिन पर यह आह्वान किया गया था कि हम आगे चल करके, या हमारी जब अपनी संसदीय प्रणाली होगी, हमारा जब अपना स्वतंत्र मुल्क होगा, हमारी जब अपनी सरकार होगी, तो उनमें व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी कुछ मौलिक अधिकारों को हम शामिल करेंगे। उसके बाद 1928 की तो यह घटना रही, जब नेहरू रिपोर्ट में यह जिक्र हुआ कि व्यक्तिगत अधिकारों की मांग की गई, इसमें दासता से संबंधित था, शोषण से संबंधित अधिकारों की मांग की गई थी, और कुछ मूल अधिकारों के जो है व्यक्तिगत अधिकारों की भी बात कही गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1931 में, और जगह थी आपकी कराची।
वर्ष 1931 स्थान कराची शहर। कराची शहर में जो है अधिवेशन हुआ, किसका? कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में तमाम उन चीजों को शामिल किया, तमाम उन मुद्दों को शामिल किया जो आपके अधिकारों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इनमें कांग्रेस ने जो आपका कराची का अधिवेशन हुआ, इस कराची अधिवेशन में 1931 में कई बातों को शामिल किया था। अब हम देखते हैं, हमने इतिहास भी देख लिया कि भारतीय संसदीय इतिहास में या भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मौलिक अधिकारों का जन्म किन विचारों के फलस्वरूप मिला है हमें। अब हम बात करते हैं भारत में अपने यहां मौलिक अधिकारों की जो उल्लेख है, इनमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है हमें कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका में सबसे पहले आया था, तो अपने यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो व्याप्त उसके संविधान में मौलिक अधिकार वहां के नागरिकों को दिए गए हैं, वही अधिकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने, हालांकि अमेरिका में जितने अधिकार हैं उनसे बहुत ज्यादा व्यापक अधिकार अपने यहां दिए जाते हैं। दूसरी बात, अमेरिका के साथ ही साथ अगर मान लीजिए, ये तो आपके से सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। वहीं पर अगर हम देखें तो कई ऐसे देश हैं जो इस पर छाप छोड़ते हैं, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने मौलिक कर्तव्यों से शामिल बहुत सारी चीज हुई। फ्रांस का मानवाधिकार भी इसी में आता है, जिससे हमने कुछ सीखा था कि अच्छा ठीक है, ये भी एक राइट्स बनता है, यानी मानव के जो अधिकार होते हैं, हमारे नैसर्गिक अधिकार होते हैं, हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उन सभी को भी धीरे धीरे इसमें शामिल किया गया था। दूसरी चीज, ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपके, ये न्यायोचित हैं। फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं इन पर आप वाद दायर कर सकते हैं, आपके अधिकारों का शोषण हुआ तो आप कहां जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी है, और अनुच्छेद 226 के तहत आप किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं जिस राज्य के आप निवासी हैं। तो यह बात हो गई आपके पावर्स की। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो आपका है सुप्रीम कोर्ट। आगे अब हम बढ़ते हैं, इनके अलावा कुछ पॉइंट्स पर मैं और बात करूंगा आपसे मौलिक अधिकारों को ही लेकर के। वो अधिकार ये है कि ये अधिकार आपके एक तरीके से अस्थाई नहीं है, ये अधिकार परमानेंट नहीं बने हैं, कि आपको जितने अधिकार इसमें दिए गए ये अस्थाई नहीं है। इन पर संसद जब चाहे तब इनमें संशोधन करके क्या कर सकती है, कमी कर सकती है, कटौती कर सकती है। तो भारतीय संविधान में जो यहां के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों में कमी की जा सकती है। अब मैंने एक शब्द यूज किया कि यहां के नागरिकों को, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इनको एक बार देख लेते हैं, इनसे भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक अधिकार के आपके दो भाग है, एक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार। दूसरा जो आपका अधिकार है ये आपके जो विदेशी हैं, ठीक है, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, विदेशी को प्राप्त मौलिक अधिकार। हां, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि कोई भी विदेशी व्यक्ति है लेकिन उसमें शत्रु देश का नागरिक ना शामिल हो, शत्रु देश का नागरिक नहीं शामिल होना चाहिए। अगर शत्रु देश का नागरिक उसमें शामिल है तो उसको भी, जो विदेशियों को सारे आपके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो उसको नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है। इसका मेंशन है अपने यहां कि विदेशियों को जो प्राप्त है मौलिक अधिकार, उनमें से शत्रु देश के नागरिकों के लिए वो भी उपलब्ध नहीं है। जितने भी अन्य व्यक्ति, अब इसमें कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को केवल मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 16, 19, 29, 30, इनका जो प्रयोग किया जाता है, यानी आपके कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, किनमें? केवल भारत के नागरिकों को देने में। एक इसी में आपका शामिल है अनुच्छेद 15 भी, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30।
ये आपके ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं, केवल भारत के नागरिकों को मिलने वाले। बाकी हालांकि इनका विस्तार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक है, तो अन्य अधिकार तो मिले ही मिले भारत के नागरिकों को, लेकिन ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को मिल सकता है। बहुत ध्यान से इसको दिमाग में बनाइएगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। बाकी अन्य जितने भी अधिकार बचते हैं 12 से लेकर के 32 तक, वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? विदेशियों को प्राप्त आपके अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। बस वो विदेशी आपका शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। अब भारत देश में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो भारत देश में अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसमें अपने यहां मुख्य रूप से अभी जो चल रहा है, ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हालांकि जब संविधान अपना बना था उस वक्त मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ये 7 थी, लेकिन तमाम ऐसी अड़चनें हमें आने लगी। उन अड़चनों को दूर करने के लिए 1951 में आपका प्रथम संविधान संशोधन भी हुआ था। हालांकि बाद में फिर उसको धीरे धीरे करते करते कई ऐसी कंडीशन बनी कि अंत में उसको मौलिक अधिकारों के पार्ट से हटा करके अलग उसको जोड़ा गया, तो उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हैं। चलिए देख लेते हैं आखिर 6 प्रकार इनके हैं क्या क्या। जो आपका पहला प्रकार है, ठीक है, एक इसके लिए जैसे मौलिक अधिकार आपको ध्यान नहीं हो रहे हो तो एक छोटी सी इसकी ट्रिक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। शशोधासिस, इसको इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं, शशोधासिस, ये जो है इससे आपको 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हमेशा पता रहेंगे। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार, आपको मिला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इनका वर्णन है। पहला अधिकार है अनुच्छेद वो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, ये अनुच्छेद 14 से शुरुआत होते हैं और अनुच्छेद 18 तक इनका वर्णन हमें भारतीय संविधान में मिलता है। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अर्थ होता है आपका राइट टू फ्रीडम। अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें कि भारतीय संविधान में आपके कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका उल्लेख स्वतंत्रता के अधिकारों के तौर पर है, तो इसकी शुरुआत होती है आपकी आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इनका उल्लेख है भारतीय संविधान में, स्वतंत्रता से संबंधित आपके अनुच्छेदों का उल्लेख है। अगला तीसरा जो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह जो तीसरा पॉइंट है कि आप शिक्षा के लिए आपकी संस्कृत बचा सकते हैं, इनसे संबंधित जो अधिकारों का वर्णन किया गया है यह अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया, आर्टिकल आपका 23 और 24 में किया गया है, शिक्षा से यौन संस्कृत से संबंधित अधिकारों का वर्णन है। आगे अब हम बढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम देखें अगला स्टेप, तो इसके बाद जो आपका अगला स्टेप बनता है यानी चौथा पांचवा छठा, चौथा जो आपका प्रकार है, ठीक है, एक तरीके से चौथा आपका शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार मैंने लिख दिया, यह शिक्षा एवं संस्कृत यहां पर नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर करें फिर वहां से सारी चीजें ऊपर जाएं, ये हमें अधिकार मिलता है अपने जो है संविधान से। अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप जिस मर्जी उस धर्म की जो है पहनावे को लेकर उसके प्रचार को लेकर जो चाहे वो कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको मिला है हमारे संविधान में, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका जिक्र है। इसका वर्णन जो भारतीय संविधान में किया गया है धर्म की स्वतंत्रता को लेकर, धर्म की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 25 से शुरुआत होती है, इनमें तमाम तरीके के हैं धर्म की स्वतंत्रता में लेकर, इसमें करों से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान है कि धर्म की अगर आपको वृद्धि करनी है
ठीक है, तो उसके लिए आप कहीं से भी टैक्स ले सकते हैं, कर संदाय आप जो है कलेक्शन कर सकते हैं, वो भी सबसे बड़ी चीज कि ये फ्री होते हैं, ठीक है, आपको इन पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। और वहीं दूसरी बात मैं अगर आपसे करूं कि इसमें जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक है, तो यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इनका वर्णन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपका बसता है अगला पांचवा जो है यह है शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। आप अपनी संस्कृत, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृत, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध करते हैं, उन सभी के बारे में अनुच्छेद आपके शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। इनमें तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आज की दृष्टि से, ये अनुच्छेद 29 और आपका 30 में वर्णित है, अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। उसके बाद छठा आपका होता है, छठा आपका जो है सबसे लास्ट वाला, यानी यहां पर देखिएगा दा हो गया, शी हो गया, उसके बाद सबसे अंत वाला जो बसता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर वी आर अंबेडकर के ही उस कहे गए व्यक्तित्व को आप याद करें जिसको उन्होंने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। तो ये सांविधानिक उपचारों का अधिकार है, सांविधानिक उपचारों का अधिकार, सांविधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें केवल वर्णन है आपके किसका, आर्टिकल 32 के तहत ये आपका आता है, अनुच्छेद 32 के तहत। अब आपके दिमाग में उठेगा एक बार कि अनुच्छेद 31 कहां गया, तो अनुच्छेद 31 वही जब उसका भी वर्णन था उसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन था अनुच्छेद 31 में, तो अनुच्छेद 31 चूंकि संपत्ति का अधिकार अगर हमारा मौलिक अधिकार होता तो गवर्नमेंट हमें रोक ही नहीं सकती थी कि एक व्यक्ति के नाम पर इससे अधिक का संपत्ति ना हो, हम चल और अचल संपत्ति तमाम जितनी चाहे उतनी इकट्ठा करते। तो इसी के लिए संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में जो वर्णन है वहां से हटा करके संपत्ति के अधिकार को आज एक क्वेश्चन तो पूछता है संपत्ति का अधिकार आज कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, आपका लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। दूसरी चीज इसका वर्णन आज कहां है, तो आज इसका वर्णन संविधान के भाग 12 में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 301 के तहत ये आज आपका क्या है, एक विधिक अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसका 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अब आपका क्या है, विधिक अधिकार है, आपका लीगल राइट है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, इसमें कुछ और चीजें हैं जिनको मैं एक बार आपसे क्लियर कर रहा हूं, और वो कुछ परिभाषाएं बहुत जरूरी जरूरी हैं जो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित आपके सवाल कई बार पूछे गए हैं। हमने मौलिक अधिकारों को देख लिया, इनके 6 प्रकार, इनका वर्णन कहां से कहां तक है ये भी देख लिया, इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कई बार, इनसे मैचिंग के सवाल आते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा तैयार रहिएगा, ठीक है। 6 प्रकार हुए, 4 ऑप्शन में दे दिया, सूची ए का सूची बी से मिलान करिए, तो वहां पर आपको ये समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब मौलिक अधिकारों पर एक सरसरी नजर, कुछ एग्जाम की दृष्टि से और जरूरी है। वर्णन इनका मैंने बताया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन जब मैंने अभी आपको बताना शुरू किया 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को, तो मैंने आपको अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक ही बताया, यानी 12 और 13, उसके बाद 33, 34 और 35 ये अनुच्छेद हमारे कहां गए। तो एक एक करके मैं इन अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में यह बात कही गई है कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट्स, किस चीज को हम राज्य कहेंगे, राज्य की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य अगर देखो, ये तो हमारा भारतीय संविधान परिभाषित करता है, लेकिन राज्य की परिभाषा अगर हम वैश्विक लेवल पर देखें, तो वैश्विक लेवल पर एक स्टेट या एक राज्य वह होता है, ठीक है, वहां पर देशों को भी राज्य के तौर पर ही गिनते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें कि राज्य होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज, उस राज्य में क्या होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है, सरकार होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसका सीमाएं होनी चाहिए उस राज्य का। तीसरी चीज, वह राज्य स्वतंत्र भी होना चाहिए, जब सरकार तभी आएगी। चौथी चीज,
वहां के नागरिकों के बारे में मालूम होना चाहिए, यानी नागरिकों का क्या होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। तो सरकार के लिए कुछ जो है स्टेट के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में यानी वैश्विक लेवल पर, यानी एक ऐसा भूभाग जिसकी सीमाएं निश्चित हों, दूसरी कंडीशन वहां पर एक सरकार का मौजूद होना जरूरी है, तीसरा सिस्टम वो स्वतंत्र होना चाहिए यानी प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, और चौथी चीज वहां पर नागरिकों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए यानी यहां पर रहने वाले निवासी कितने। यह तो हो गई वैश्विक स्तर पर सरकार राज्य की परिभाषा के बारे में वार्ता। अब हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा है यह क्या है राज्य की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 यह राज्य को इस प्रकार प्रभावित करता है, परिभाषित करता है कि राज्य के अंतर्गत वह सभी आपके निकाय आते हैं जो सबसे पहला चीज सरकार के द्वारा वेतन पाते हैं या सरकार द्वारा क्या है, सरकार द्वारा संचालित होते हैं यानी वहां पर अगर सरकार आपकी मदद कर रही है तो वो राज्य के अंतर्गत है। गवर्नमेंट के द्वारा कार्य करने वाला किसी भी आप जो है कोई भी आपका ऐसा विभाग है उसमें एक अधिकारी सिंगल बैठा है, ठीक है, अकेला अधिकारी है, और उसने अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया तो वहां पर वो राज्य की भांति व्यवहार होगा और मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ दिए गए हमारे अधिकार हैं। यानी अगर उस व्यक्ति ने आपके मौलिक अधिकारों का कहीं से हनन किया तो आप उसके खिलाफ कहां सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने अधिकारों को तमाम ऐसी हमारी सुविधाएं जिनके जरिए हम फिर से प्राप्त करेंगे। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा किसकी है, राज्य की। राज्य में आपके एक चीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है बीसीसीआई, ठीक है, जो आपकी क्रिकेट बोर्ड है इंडिया की बीसीसीआई और एक सबसे बड़ा आपका परिषद है एनसीईआरटी, ये दोनों राज्य की परिकल्पना में नहीं आते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बीसीसीआई और एनसीईआरटी नहीं है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जितने संस्थान है जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा निकाय है जो सरकार के माध्यम से चल रहा, सरकार के द्वारा एडेड है, वो सारे निकाय आपके क्या है, राज्य की परिभाषा में है। उनमें कार्य करने वाला हर व्यक्ति एक राज्य की भांति व्यवहार करेगा अगर उसने आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, आखिर इस बात पर चर्चा हो जाए। अनुच्छेद 13 कहता है कि चूंकि हमारे यहां विधियों से संबंधित निर्माण का अधिकार किसका है, अपने यहां विधियों से संबंधित यानी जो आपके लॉ मेकिंग बॉडी है वो संसद है। अब संसद ऐसी विधि बना दे कि जो संविधान के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों को से जो है असंगत हो, तो ऐसे अधिकारों को एक तरीके से जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है और सुप्रीम कोर्ट को यह जो है एक पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू पिटीशन के द्वारा कई ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा क्या कर सकता है, जो सरकार की बनाई गई विधियां हैं उन विधियों को अवैध घोषित कर सकता है अगर वो कानून की नजर में भारतीय संविधान में दिए गए व्यापक मौलिक अधिकारों में से किसी का अल्पीकरण करता है। यानी संविधान के अनुरूप अगर वो नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी गई भारतीय संविधान के द्वारा एक गार्जियन के रूप में, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक तरीके से, या गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ये नए तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे अब हम बात करते हैं 33, 34 और 35 पर। अनुच्छेद 33 में आखिर किसकी परिभाषा, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जितने भी आपके सशस्त्र बल हैं, ठीक है, सशस्त्र बलों में कार्य करने वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य करने वाले, जितने पुलिस आपकी हैं राज्यों की स्टेट्स की इनमें कार्य करने वाले, या गुप्तचर सेवाएं जितनी हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं इनमें कार्य करने वाले, या ऐसे संबंधित अन्य कोई भी विभाग के सदस्य, यानी पुलिस फोर्स का या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई आदमी कहता है हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें सोना नहीं मिल रहा, तो ये सब पहले ही मौलिक अधिकारों के, उनको मौलिक अधिकार संसद निर्धारित करती है कि कितने मौलिक अधिकार की सुविधा उनको मिलेगी। अगर आईबी विभाग का कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं मुझे प्रॉपर नींद चाहिए, मुझे सही माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, तब तो हो गई सर्विस, ठीक है, हो गई सुरक्षा देश की। फिर तो इसीलिए अनुच्छेद 35 का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है कि जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के
फंडामेंटल राइट्स की बात हो, आईबी में कार्य करने वाले व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स की बात हो, मिलिट्री में कार्य करने वाले व्यक्तियों की फंडामेंटल राइट्स की बात हो, वहां सबसे प्रतिबंध लगाने की पूरी छूट है किसको? संसद को। और यह व्याख्या कौन करेगा? यह संविधान करता है। उसके बाद दो पॉइंट्स आपके और बसते हैं, जिनमें एक आपका बसता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या है आखिर, इसको समझ लो। आर्टिकल 34 कहता है कि जहां पर भी फौजी कानून लागू है, यानी आर्मी का शासन लागू है, वहां पर ये इन अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं। इसको व्यापक रूप में समझो, फौजी शासन मतलब सब कुछ फौज के अंतर्गत। अभी अपने देश में फौजी शासन लागू हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर अदालत किसकी काम करेगी? फौज की अदालत कार्य करेगी। तो जहां पर फौजी शासन लागू है वहां पर अन्य आपके अधिकार कोई भी लागू नहीं होते हैं। तो जहां फौजी कानून लागू है, फौजी शासन लागू है, वहां पर आपके ये जो इतने आपको राइट्स मिलते हैं, इन राइट्स के लिए कोई वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, वहां सब कुछ सारी नजरिए फौज के द्वारा शासित कानून से होता है, यानी जो फौज में आपके उल्लेखित कानून है। उसके बाद आर्टिकल अगर मैं 35 की बात करूं तो 35 में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है। 35 में यह कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं इसमें 14 से लेकर के आपके अनुच्छेद 32 तक, कि जिन अधिकारों को संसद आपका प्रयोग करती है वो कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से, व्यक्तियों की दृष्टि से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सामान्य रूप से प्रवर्तित नहीं, प्रवर्तित का मतलब होता है इनफोर्स, लागू नहीं है, तो उनको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की जिम्मेदारी है। और संसद ऐसी देश की एकता एवं अखंडता के लिए कदम उठाएगी, ऐसा उसको साफ साफ निर्देश अनुच्छेद 35 देता है। ठीक है, तो हमने तमाम तरीके के उन सारी चीजों के बारे में बात कर ली जो मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों से संबंधित अधिकार है। बाकी इनसे संबंधित जैसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा समानता का अधिकार क्या है, कौन कौन से ऐसे अधिकार आते हैं 14 से 18 के बारे में, फिर उसके बाद 19, 20 आपका 21, 22 में कौन कौन से अधिकार हैं, फिर 23, 24 में कौन से हैं, उसके बाद 25, 26, 27, 28 में कौन से हैं, 29 और 30 में क्या क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में मैंने बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल जो आपका 32 है इसमें, इसको पैनासिया भी बोलते हैं रामबाण, इसमें सांविधिक उपचारों का अधिकार है। सांविधिक यानी अगर कोई बीमारी आ जा रही है तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे, सांविधिक उपचारों का अधिकार। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है अनुच्छेद आपका 32। अनुच्छेद 32 में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को वो पावर है जिसके द्वारा वो पांच प्रकार की रिटें जारी करती है। पांच प्रकार की रिटों से संबंधित हमारे अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन हनन से संबंधित वो एक्शन लेती है, और जो व्यक्ति उसका हनन कर रहे हैं, यानी अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस है, या कोई न्यायालय का अधिकारी है, कोई न्यायालय हनन कर रही है अपने जो है अधिकार क्षेत्र का, तो उनसे संबंधित तमाम तरीके के वो एक्शन लेती है। बाकी इनसे संबंधित जितनी चीजें हैं, आपको इनमें कोई चीज और समझनी है तो आप नीचे YouTube सेक्शन में जाएं, वहां कमेंट करें। और दूसरी चीज, जो भी लेक्चर होते हैं उनके PDF हमारे ग्रुप्स पर अवेलेबल हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस पर सारे PDFs दिए जाते हैं। और टीम के द्वारा ये कोशिश की जाती है, हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा, कि आपको ये सारे PDFs जिनमें मैंने और सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी इनसे ज्यादा, वो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सके। अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और लेक्चर में क्या इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगती है वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें, और किन किन बिंदुओं की आपको और जरूरत है, यानी कौन कौन से पॉइंट्स और शामिल किए जाए, वो सारी चीजें हमें बताते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रमन मिश्रा, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, बात संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। आज इनमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान, भारत में जो 29 राज्य हैं वहां पर मौजूद सरकारें हैं, उनके शासन के प्रकार हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या राज्यों को निर्देश देता है, यह सभी के सभी तत्वों को इसीलिए जिस व्यापक तौर पर शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, उन्हें नीति निदेशक तत्व कहते हैं। यानी राज्य अपने नीतियों का कैसे निर्देशन करेंगे उसके लिए भारतीय संविधान पथ प्रदर्शक के तौर पर पार्ट 4 उन्हें रास्ता दिखाता है। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान में व्याप्त नीति निदेशक तत्वों की।
नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इनमें हम बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36-251 तक लेकर इनका क्या है वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य जो है इनका वर्णन है। भारतीय संविधान निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वी आर अंबेडकर और उनकी टीम को आखिर राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का विचार कहीं ना किसी देश से आया होगा संविधान से। तो यह संविधान आपका 1937 में गठित हुआ एक विश्व का एक देश जिसका संविधान अपने संविधान में क्या देता था राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को, और उस देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड जिसका संविधान 1937 में गठित हुआ था, इसमें बात की गई थी राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो हमने भी शामिल कर लिया भारतीय अपने संविधान में कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व क्या होने चाहिए, यानी राज्यों में जो सरकार चल रही है उस सरकार का उद्देश्य किस तरफ होना चाहिए, यानी राज्य को क्या करना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से भारत के संविधान में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, इनको शामिल किया गया। दूसरी बात, आयरलैंड ने अपने यहां इसको स्पेन के संविधान से जो है देखकर अपने यहां शामिल किया। भारत ने आयरलैंड से शामिल किया था जो 1937 में बना हुआ इसका संविधान था, आयरलैंड ने स्पेन से इसको जो है अपने संविधान में शामिल किया था। तो यह हो गया इतिहास। अब दूसरी नजर हम डालें, क्या नीति निदेशक तत्व तो हमारे राज्यों की सरकार, हमारे राज्यों की सरकारों का शासन कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या भारतीय इतिहास में भी कोई झलक दिखाई पड़ती है? अगर इस चीज पर आप नजर डालोगे तो आपको मिलेगा 1944 एक समिति गठित हुई थी जिसका नाम है सप्रू समिति। ध्यान आया होगा आपको, 1944 में गठित सप्रू समिति में राज्यों के नीति निदेशक संबंधित मुद्दों की बात की गई थी, सप्रू समिति। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें दिखाई पड़ा राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, जिनका वर्णन किया जो है, कई ऐसी तरीके के सुझाव दिए गए थे इसमें, कई ऐसे आपके सुझाव शामिल थे कि राज्य जब आपके होंगे तो राज्य का उद्देश्य मानव मात्र यानी वहां के जो निवासी हैं उनके कल्याण को लेकर होना चाहिए, और कल्याण कैसा हो हर तरफ से, जैसे हमें अधिकार मिले मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या कोई भी अधिकार इसलिए मिलता है क्योंकि अधिकारों से हम अपना विकास करें, हम अपना चौमुखी विकास करें, चाहे बौद्धिक है चाहे आर्थिक है, हर एक क्षेत्र में हमें अधिकार आजादी देते हैं। ठीक है, आपके तमाम तरीके के ऐसे अधिकार हैं जिसको जिसका आप उपयोग करते हैं और अपनी जो है विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान लेते हैं, तो वैसे ही सप्रू समिति में इनसे संबंधित सारी चीजों की बात कही गई थी। अब भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व शामिल है, ठीक है, राज्य कैसा होना चाहिए, इससे तमाम तरीके की आपके यहां बातें आती है। महात्मा गांधी जी का जो विचार मत था, ठीक है, महात्मा गांधी जी हमेशा लेकर चलते थे कि अच्छा ग्राम पंचायतों के हिसाब से शासन हो, इसके लिए हमारी बाद में जो है संविधान में या उसी समय संविधान निर्माताओं ने पंचायती राज प्रणाली को लेकर भी सोचा, भारतीय संविधान में शामिल भी किया गया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो गांधी एक तो इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कि भारत में हर एक राज्य की सरकारें अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगी, उस तरह से अगर देखें तो राज्य जो 36 से 51 तक वर्णन है आपके नीति निदेशक तत्वों में, इनमें गांधीवादी सिद्धांत आपको मिलेंगे, गांधीवादी विचारधारा हम बोल सकते हैं, विचारधारा का आपको दर्शन होगा, यानी कई ऐसे हैं अनुच्छेद 40 से लेकर आप बढ़ेंगे नगर पालिका को लेकर देखें, यानी स्थानीय स्वशासन जो है एक तरीके से ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। दूसरी चीज इसमें देखें तो बौद्धिक भी है, बौद्धिक विचारधारा से है, और तीसरा चीज अगर हम देखें तो आपको इसमें उदारवादी भी मिलेगा, उदारवादी एक तरीके से सोच से मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हो जिनकी स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है अपने यहां किसमें, मतलब जो आपके राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं उनको, हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं है, इसको जब आप पढ़ेंगे समझेंगे कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए राज्यों को निर्देश देता है। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके स्टेट की पुलिस आपसे बड़ी अच्छी तरीके से पेश आ रही हो, दूसरे स्टेट की पुलिस बड़ी गंदी तरीके से पेश आ रही, तो आप पुलिस को लेकर जुट जाए,
देखिए कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे राज्यों के नीति निदेशक तत्व, ये वाद योग्य नहीं है, यानी इसको अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तब तो ठीक है, पुलिस आपको जबरदस्ती उठा ले गई, फर्जी केस में फंसा दी, न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई, तब तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, एक याचिका डालिए और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, रिट आप डाल के वहां पर उससे कर सकते। लेकिन तमाम ऐसे चीजें हैं कई के, अगर इनके व्यवहार को लेकर देखा जाए या अन्य चीजें हैं, तो वहां पर जो आपके जैसे कोई अधिकारों का हनन हो गया या कई ऐसे तत्व इसमें शामिल नहीं, मतलब जिनमें डायरेक्ट किया गया है राज्यों की ऐसे ऐसा कार्य करिए, वो कार्य नहीं हो रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके लिए वाद योग्य जो है वाद दायर करेंगे, नहीं, ये वाद योग्य नहीं है, इनको आप न्यायालय में ले नहीं जा सकते, क्योंकि आज तक पता नहीं कितनी PIL पड़ी हैं, बहुत सारी याचिकाएं अलग अलग राज्यों के अलग अलग न्यायाधीशों ने डाले हैं, लेकिन उस PIL पर आज तक जो जुडिशरी ने फैसला दिया है, जुडिशरी ने साफ तौर पर यह कहा कि यह अपने राज्यों का व्यक्तिगत मय है, राज्य चाहे तो इन नीतियों का निर्धारण अपने यहां करें, इनको लागू करें या ना करें, ठीक है, तो ये आपके न्याय उचित नहीं है, यानी न्यायालय में इनके खिलाफ हम केस दायर नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें कुछ अन्य चीजों की, तो इसके बाद अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के आपके UP SSC के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कभी भी एग्जाम में बहुत डिटेल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट इनके बारे में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी थी, उनका मैंने आपको जो है कहां से लिया गया, कैसे कैसे सारी चीजें हैं वो डिटेल दे दी है, बाकी इनमें किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें बताई गई है वो मैंने नोट्स में दे रखा है सारे पॉइंट्स, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहे आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसकी आपके जो शंकाएं हैं उनका निवारण किया जाएगा। बाकी लेक्चर्स कैसे आपके लिए मददगार हो रहे, टीम हमारी कैसे कैसे आपके लिए मेहनत कर रही है, ये तमाम चीजें आप जानते हैं, उसका जरूर एक बार प्रतिक्रिया दें, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट वगैरह जो हो रहे ग्रुप पर आपके चैनल्स पर उसमें पार्टिसिपेट करें, इससे आपकी तैयारी आप स्वयं जांच पाएंगे कि किस दिशा में जा रही है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद।